नमस्कार दर्शकों, मैं संदीप सिंह पखाड़ा और आप देख रहे हैं एसबी न्यूज इंडिया। और आज हम खड़े हैं हिसार के एक होटल के अंदर, जहां पर एक धनवंतरी कंपनी का एक आइटम बनाए गए हैं। वो प्रोडक्ट किस तरह से है, क्या कुछ है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और यहां पर इनकी बहुत बड़ी मीटिंग भी हो रही है, एक प्रेस वार्ता भी हो रही है। तो आइए आपको ले चलते हैं वहां पर, किस तरह से क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या क्या इनके प्रोडक्ट हैं और किस चीज़ में काम आते हैं, वो सभी आपको ले चलते हैं। और आपको बता देते हैं, ये इनके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो आम स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे पशुओं के लिए हो, चाहे खेती बाड़ी के लिए हो, वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आइए चलते हैं। सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि कंपनी के ओनर है। कंपनी किस तरह से उन्होंने शुरुआत की, क्या उनका लक्ष्य था इस कंपनी का शुरुआत करने के पीछे, और क्या कुछ कार्य इस कंपनी को लेकर वो कर रहे हैं, और क्या समाज सेवा किस प्रकार कर रहे हैं, वो आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश पटेल सतारा से बिलोंग करता हूँ। एलोपैथी प्रैक्टिशनर हूँ, एमडी मेडिसिन। पिछले 11 साल से मैंने ये काम चालू किया है। गाय का पहला दूध यानी गो पीयूष के वास्ते मैं काम करने लगा, जिसको सर खीस भी कह सकते हैं। खीस भी का, वो बॉईल करने के बाद उसे खीस कहते हैं, लेकिन वो बॉईल करने से उसके घटक कम होते हैं। तो ये फ्रीज डाइट टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये गाय का पहला दूध है, काऊ कोलोस्ट्रम। उससे हमें इम्यूनोग्लोबिन मिलते हैं, ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं, पीआरपी मिलते हैं, जो हमारी इम्यून पावर को बहुत बढ़िया बना अच्छा साबित करते हैं। वैसे WHO ने 2009 में कहा था कि वायरल डिसीज से बचने के लिए हमें इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया चाहिए। अभी इम्यून सिस्टम बढ़िया करने के लिए माँ अपने बेटे को दूध देती है, उसी तरह से गाय अपने बछड़े को जो पहला दूध देती है उसी से कुछ दूध लेकर ये हम काऊ कोलोस्ट्रम से हिमरिज कैप्सूल बनाई है। और ये बहुत बढ़िया काम किया है और पिछले 11 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। जी सर, जो ये शुरुआत का जो दूध होता है, इसमें कितना, एक गाय के दूध से कितना तैयार होता है जो कोलेस्ट्रॉल? ये गाय एक प्रसव में 30 लीटर दूध करीब देती है, उसमें से 5 लीटर किसान बाहर देता है, और ये 5 लीटर दूध से कम 1 किलो पाउडर बनती है। तो इसका कंपनी का लक्ष्य क्या था आपका, किस तरह से आपने शुरुआत की इस कंपनी की, क्या लक्ष्य? मैंने वैसे तो प्रैक्टिस एलोपैथी प्रैक्टिस करते कहते ये काम चालू किया कि इम्यूनिटी यही प्रॉब्लम है आज का, बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये फसल के ऊपर जो देते हैं, या निजी हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी गलत है, व्यायाम नहीं करते हैं हम, खाना अच्छा नहीं खाते, सो इम्यून पावर ढल गई है, तो इसलिए बीमारियां ज़्यादा आ रही है। इसकी वजह से हमारे शरीर का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बहुत बड़ा है, और फ्री रेडिकल डैमेज बोलते हैं हम उसे, वो बहुत बड़ा है। तो ये फ्री रेडिकल डैमेज कम करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए। जी सर, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ शुरुआत की आपने? एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा से आयुर्वेदिक बहुत सारे हमारे पास घटक है जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा से काम करते हैं, जैसे हल्दी है, अनार है, नीम है, दाड़िम है, वो जता मानसी है, ज्योतिषमती है, बहुत सारे आयुर्वेदिक घटक है, जैसे सैफरीन है, ये बहुत बड़े एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को मतलब ऑक्सीडेटिव रेडिकल को कम करते हैं, तो हमारा शरीर का नुकसान कम हो जाता है। जी सर, तो इन मेडिसिन के अलावा और कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिनके द्वारा आप और क्या क्या तैयार करते हैं, चाहे खेती बाड़ी के लिए? खेती बाड़ी के लिए भी हमने ये प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जैसे कि RPH76 नाम का एक प्रोडक्ट है, ये लियोनार्डाइट से हमने बनाया है, पूरा फिजिकल है और उसमें कोई भी केमिकल नहीं है, और ये खेती की ये सामू बढ़ाता है, मतलब मिट्टी का पीएच बढ़ाता है, प्लांट का एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, और ये प्लांट के पत्तों का ग्रीन लिफी जो है स्ट्रक्चर बढ़ाता है, ये करता है, रूट का जो पार्टिकल मोलिक्यूल है उसका एब्सॉर्प्शन बढ़ता है, तो रूट एब्सॉर्प्शन बढ़ गया तो जमीन के जो स्पेशल घटक है वो ऊपर मिलते हैं प्लांट को, सूर्य प्रकाश है इससे हरित द्रव्य है उसका एक्टिवेशन हो जाता है, तो प्लांट टोटल फूल का निर्मित ज़्यादा करता है और हमारा किसान का यील्ड भी बढ़ जाता है, वो प्लांट की जो इम्यून पावर है वो भी बढ़ जाती है। जी, और खेती बाड़ी के अलावा जैसे पशुओं के लिए भी आपने कुछ प्रोडक्ट तैयार किए? पशुओं के लिए भी मैंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे कि एक्वारिज करके एक है, कैटरीज पाउडर गाय भैंस के लिए है, बकरी के लिए कैटरीज लिक्विड है, पोल्ट्री के लिए। इससे मेरा ये है कि जितने भी सारे केमिकल यूज़ हो रहे हैं वो सारे धीरे धीरे कम करने चाहिए, क्योंकि ये भी सारे चीज़ें ना मानव के शरीर में ही जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि एक केमिकल हल्का हल्का सा परसेंटेज कम करें अपने हाथों से तो बहुत बढ़िया होगा। जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, चाहे फिर वो खेती के लिए हो चाहे पशुओं के लिए हो, तो उसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? इसमें खेती का जो है उसमें लियोनार्डाइट है, जो ज़मीन दब गई और अग्नि का हुआ था दब गई तो कुछ पार्ट बर्न नहीं हुआ,
उसमें से कोयले जैसी एक चीज़ बनती है, उसे लिगोनार्ड करते हैं। उसमें फलविक एसिड और ह्यूमिक एसिड बहुत बढ़िया रहता है, वो चीज़ से ज़मीन का कार्बन कंटेंट है ना वो बढ़ता है। और आज का हमारे देश का यही काम चला है कि कार्बन कंटेंट बढ़ाए ज़मीन का। जी सर, बिल्कुल सर, धन्यवाद सर बातचीत के लिए। आभारी हूँ मैं आपका भी, नमस्कार। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं लॉयंस सुरेंद्र छिंदा जी, जो कि धन्वंतरी कंपनी के हिसार में जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी देखरेख उन्हीं के हाथ में होती है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। एसवी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है सर। हाँ बिल्कुल, वेलकम सर। आज आपके पास क्या क्या जो है आइटम आते हैं, कहीं की जो जो प्रोडक्ट हैं आपके, उत्पादन हैं, क्या क्या उत्पादन आपके पास हैं, और आज जो कार्यक्रम था किस तरह का ये कार्यक्रम रहा, क्या कुछ इसकी खासियत रही? जो ये इसमें मेन तो सर ये है कि धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है, और उसके CMD डॉक्टर रमेश पाटिल सर आज MD मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट देश के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और वो एलोपैथी के डॉक्टर हैं। पिछले 25 साल से उनकी प्रैक्टिस है, और लेकिन पिछले 10-11 साल से वो हेल्दी मिशन इंडिया के तहत ये कार्य कर रहे हैं, और कुछ उन्होंने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ऐसे तैयार किए हैं ऑर्गेनिक को रख के, हेल्थ में भी और एग्रीकल्चर में भी, पशुओं पे भी, और इस प्रकार के प्रोडक्ट जो कि लोगों को हर बीमारी से बचा सकें, तो हम उसमें काम कर रहे हैं। मैं पिछले 5 साल से इसमें जुड़ा हूँ धन्वंतरी में, आज कंपनी में डायमंड की पोस्ट पे हूँ। तो कंपनी में 6 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग वही हैं जो काफ़ी बीमार थे, जिन्हें प्रॉब्लम्स थी, और वो जैसे जैसे ये प्रोडक्ट यूज करके ठीक होते गए तो वो उनको लगा कि इसी चीज़ों का प्रचार भी होना चाहिए, तो हमने उसका प्रचार भी किया। तो प्रचार करते करते ही मुझे भी पता नहीं चला कि मैकअप डायमंड बन गया। मेरी अपनी जो स्टोरी है, मेरी बेटी को थायराइड था, हाइपो, उनको बड़ी प्रॉब्लम थी 14 साल से। डॉक्टर पाटिल क्योंकि रोटेरियन है, जैसे हम लॉयंस क्लब से जुड़े हुए, एक फंक्शन में मिले थे, तो उन्होंने बताया कि आप ये प्रोडक्ट यूज करके देखिए तो इसका इलाज हो जाएगा। तो मैंने वो प्रोडक्ट 8-10 महीने मेरी बेटी को दिए। मेरे को खुशी है कि जो डॉक्टर्स कहते थे कि इस बिटिया की आप शादी नहीं कर सकते, आज ना केवल उसकी शादी हो गई इस प्रोडक्ट की वजह से, वो ठीक हो गई, और आज उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है। तो मेरे लिए तो धन्वंतरी भगवान की तरह है, और डॉक्टर पाटिल के बनाए हुए प्रोडक्ट आज पूरे देश में 6 लाख लोग प्रचार कर रहे हैं, और उनका भी मिशन यही है कि हम लोग सबको स्वस्थ रखें। तो उसमें हम मेडिसिन की बात ज़्यादा नहीं करते, कि हमें एलोपैथी मेडिसिन खाने की जैसे लोगों को आदत है, तो हम उससे ना उनको दूर करना चाहते हैं, सिर्फ उनका लाइफस्टाइल चेंज करके। तो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जैसे आपको आपका पेट साफ करना बड़ा जरूरी है, आपको पानी की मात्रा पूरी जरूरी है, आपको खाने के साथ 1 घंटे पानी नहीं पीना चाहिए, आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, आपको 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना ही पीना है। तो ये कुछ चीज़ें हम ऐसी बेसिक बताते हैं उनको, ये अगर वो कर लें तो शायद उनको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक इमरिच और डिटॉक्सिफाई जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ये दो मेडिसिन धन्वंतरी के पास ऐसी हैं कि जो लगभग 95% बीमारियों का इलाज कर सकती हैं, अगर लोग इसको धैर्य से खाएं। क्योंकि आयुर्वेद का मकसद है धीरे धीरे इलाज होता है, इसमें एलोपैथी की तरह तुरंत इलाज नहीं है। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, हमारा बेसिक जो मेन प्रोडक्ट है इमरिच काओ कोलेस्ट्रोम, गाय का बछड़ा देने के बाद पहले 3 दिन का दूध, वो दुनिया में माँ के दूध के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है। और डॉक्टर पाटिल ने इसी पे रिसर्च करके 2008 में जब स्वाइन फ्लू आया था, जब भी बहुत बड़े बड़े चैनलों पे ये उनका ये संदेश था कि आप डरिए मत, स्वाइन फ्लू ऐसी बीमारी नहीं है, क्योंकि जो गाय का पहला 3 दिन का दूध है उसमें वो सब तत्व है 90 प्रकार के, जो हर बीमारी पर काम कर सकते हैं। तो उस समय डॉक्टर ये कंपनी याद हुई थी, और आज कंपनी का बहुत बड़ा टर्नओवर है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हम सब लोग दूध की बात की जाए तो इस दूध को हम शायद खीस भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में वही, जो होता बिल्कुल खीस कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम उसको गर्म करते हैं तो उसके वो 90 के 90 तत्व खत्म हो जाते हैं। देखो उसमें फाइबर और प्रोटीन आपको मिलता है, लेकिन 88 जो मरीकूल्स हैं उसमें PRPs ग्रोथ फैक्टर, वो काम नहीं करते और वो खत्म हो जाते हैं। तो ये एक बहुत कोल्ड प्रोसेस पद्धति से -72 डिग्री कोल्ड प्रोसेस पद्धति से निकाला जाता है। अभी हमारा अहमदाबाद में प्लांट अभी शुरू है, पहले ये अमेरिका की कंपनी के पास टेक्नोलॉजी थी, ये कोलेस्ट्रॉम हमें वहीं से आता था। तो 2027 तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब जब इसकी मांग ज़्यादा हो गई तो हमारा अपना अहमदाबाद में इसका प्रोडक्ट लगा है, और अभी गिर गाय का जो देसी गाय है उसका कोलेस्ट्रॉम है A2 दूध बोलते हैं उसको, प्योर ऑर्गेनिक, जितना ऑर्गेनिक है कि इसको 1 दिन का बच्चा भी खा सकता है, और माँ के पेट में भी हम प्रेग्नेंट बच्ची को भी देते हैं, और 100% अगर वो ले रही है 4th महीने के बाद तो वो नॉर्मल डिलीवरी होगी, और लास्ट समय में भी अगर डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो हम इसके 15-20 कैप्सूल खोल के गर्म पानी में उनको देते हैं, तो नेचुरल 30 से 40 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। मेरी अपनी बिटिया को भी हमने इसी प्रकार से डिलीवरी करवाई थी। जी, हेल्थ से रिलेटेड कितने प्रोडक्ट हैं आपके, उत्पादन कितने हैं? हाँ, हेल्थ से रिलेटेड देखो, जिसमें न्यूट्रिशन अलग है, हेल्थ सप्लीमेंट 10-12 है हमारी। देखो डॉक्टर पाटिल ने जितनी भी मेडिसिन ईजाद की हैं वो सब उन्होंने ना, उनका एक खासियत है कि अगर वो उन्होंने एक तुलसी भी बनाई है तो वो पहले अपने ऊपर उसको यूज करते हैं, अपने परिवार में,
अपने नज़दीकियों में, जब उनको अपने हॉस्पिटल्स में, क्योंकि उनके अपने हॉस्पिटल्स भी हैं, दोनों बेटे उनके डॉक्टर हैं, एमडी हैं, दोनों बहुएँ भी डॉक्टर हैं, तो वो पहले अपने हॉस्पिटल्स पे उसका ट्रायल करते हैं। अगर उनको लगता है कि ये वाकई इसके 95% रिजल्ट हैं, तभी उसको बाज़ार में लाते हैं, नहीं अदरवाइज उनको ज़्यादा दवाइयाँ बेचने का इतना उनको शौक़ नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।